दोस्तों आज मैं आपको घुमाने ले चल रहा हूँ बादलों के ऊपर मानसून में बसे एक बहुत ही खूबसूरत से गांव में, जो कि लैंसडाउन के नाम से फेमस है। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल जिले में आता है ये। दिल्ली के सबसे नजदीक है, यानी दिल्ली वाले आराम से यहाँ पे चले जाते हैं। 5-6 घंटे की ड्राइव कर आप दिल्ली से लैंसडाउन के लिए जा सकते हैं, जो कि दिल्ली से सिर्फ 244 किलोमीटर की दूरी पे है। और बाय ट्रेन अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे कोटद्वार नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होता है, जो कि लैंसडाउन से सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर है। कोटद्वार से आपको बस मिल जाती है, जिससे आप सीधा लैंसडाउन के लिए जा सकते हैं। और लैंसडाउन बाय एयर आप आना चाहते हैं तो आप लैंसडाउन आने के लिए देहरादून एयरपोर्ट पर उतर कर 145 किलोमीटर की दूरी पर बाय टैक्सी या कैब से जा सकते हैं। ये एक छोटी सी जगह है जो कि सिर्फ 2-3 किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। ये बहुत ही रिलैक्सिंग जगह है, तो अगर आप सुकून परस्त हैं तो आपके लिए मस्त होने वाली है। मानसून के टाइम पे यहाँ पे बादल जमीन पर आ जाते हैं, यानी बादलों के ऊपर आप रहोगे, बादलों के अंदर रहोगे, काफी अद्भुत सा नजारा देखने को मिलने वाला है। बाकी की जानकारी इस ब्लॉग में आपको धीरे धीरे मिल जाएगी। पूरा ब्लॉग देखना, आपको कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट ट्रिप और फुल मस्ती के साथ मिलने वाली है। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू एसी दिल्ली ब्लॉग। भाई आज हम घूमने में अटक चुके हैं लैंसडाउन की धरती उत्तराखंड में, और जहाँ हमें सजा के रूप में आम खाने को मिल रहा है, वो भी पेड़ वाला। और कैसे मिला, चलो आप देख लेते हैं। हाँ। देखो भाई, जहाँ हम चाय पी रहे थे वहीं पे सामने ये आम का पेड़ है, और पंडित जी वो आम लेने गए हैं, आम गिरा हुआ है। पंडित जी आम निकाल रहे हैं, देखो मिल जाए जब आवाज बचा हुआ है। आगे 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 आगे, ए ये मेरा आम ए ये देखो, अपने रेनकोट में डाल के ले जा रहे हैं भाई। बारिश का मौसम है और अभी आगे रास्ता ब्लॉक्ड है, तो भाई ये वाला फन अलग ही होता है। मतलब रास्ते में खाते पीते और जो बादल सीधा बिना नीचे आ गए हैं, बिना टाइम की फिक्र किए मंजिल पे पहुंचना है। कब पहुंचेंगे कुछ पता नहीं है, रास्ते में कितने गड्ढे, बारिश, तूफान, आधी, शेर, चीता, क्या मिलेगा कुछ नहीं पता, हाथी मिलेगा। भाई लगातार बारिश हो रही है, और यहाँ पे हमने अभी चाय मंगवाया है, चाय पिया है, और साथ में अभी पंडित जी कर रहे हैं पैकिंग, जूते वगैरह हमने सब अंदर डाल दिए हैं। बारिश से है इसलिए थोड़ा एडवेंचरस ज़्यादा हो जाएगा, जूते भीग जाएंगे तो वो सूख नहीं सकते। बंद लगा दो। अब पता नहीं कितनी देर में खुलेगा, अभी दिखाता हूँ कैसा भयंकर जाम लगा। प्यार से बोलो जय माता दी, जय माता दी वाला सीन हो गया, पूरा जाम है पूरा। और यहाँ की एक स्पेशल टाइमिंग होती है जब आपको जाने देते हैं, मतलब दिन के दौरान आप जा सकते हो, शाम को 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रास्ता बिल्कुल ही ऑफिशियली क्लोज रहता है। अगर आप लोग रात में आना चाहते हो लैंसडाउन तो भैया बिल्कुल मत आना, क्योंकि रात में बंद रहेगा होटल लेके। मतलब एक धर्मशाला में हम रात रुके हुए थे, यहाँ पे वो सब सीन मैंने आपको दिखाया नहीं है, मगर बता दे रहा हूँ कि रात को 8 से सुबह 5 बजे तक बंद रहता है। नियर बाई धर्मशाला में मिल जाता है। सीन ही इतना गंदा वो था, दिखा नहीं सकते, बहुत बुरा था। मतलब रात में हम ऐसे फंसे, हमने सोचा निकल जाएंगे, मगर वहाँ चीता, भालू, बंदर सब मिल जाते हैं। तो भाई पीछे थी हमारे चौकी जहाँ से रोका जाता है, वो तो हम पार करके आ चुके हैं आगे, और ये है अपना रास्ता, चलते हैं अभी दिखाते हुए। बारिश लगातार हो रही है और हम मज़े ले रहे हैं बरसात के। तो सौभाग्य से अगर आप चौकी पार कर चुके हैं तो आपको ये वाला पुल मिल जाएगा। हाँ वहाँ रोक लेते हैं रात में आठ से सुबह 5 बजे तक। बाकी देख लो यहाँ से पौड़ी गढ़वाल 104 किलोमीटर, 132 किलोमीटर श्रीनगर देखने को मिलेगा। मौसम बहुत गीला हो रहा है, बहुत गीला, बहुत खूबसूरत हो रहा है, जगह जगह पहाड़ नीचे आ रहे हैं, नदी रेत वहाँ बह रही है। हाँ भाई इधर देखो, अभी ये झरना बन जाएगा कुछ ही दिनों में, अब तुम लोगों को फिर भी जिंदा जाओगे नहीं बहोगे मगर बारिश में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये जगह। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं नंगा होना पड़ेगा बारिश से, मतलब जूते उसे उतार दो, मज़ा आएगा। भाई रास्ता बहुत ही गजब का मिल गया है, पूरा ऐसा लग रहा है पहाड़ बह के रोड पे आ चुका है, अलग ही नज़ारे, अलग ही मौसम। अब गाड़ियां उधर से भी आने लगी हैं, देख रहा हूँ। लो भी रास्ते में पंडित जी ने बैलेंस खो दिया और अपनी गाड़ी भी नीचे आ गई, तो ये ऐसा पहाड़ों में होता रहता है, कोई बात नहीं। अरे पेट्रोल काफ़ी निकल गया यार, कहाँ से निकल रहा है पेट्रोल? पेट्रोल निकल रहा है बहुत ज़्यादा। बंद कर दो चाबी ऊपर से,
चाबी बंद नहीं, पेट्रोल की कहीं से पाइप निकली है। अरे वो घुमा दो ना उसकी चाबी, ऑफ कर दे, ऑफ कर दो। हाँ बस बस हो गया, चलो जो होना था वो हो गया। गाड़ी बाहर निकालते हैं, गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं हुई, बस हल्का सा बैलेंस बिगड़ा और नीचे आ गया, चोट वोट नहीं आई है, सब ठीक ठाक होता रहता है ये इतना। क्या पेट्रोल बंद हो गया ना? हाँ तब ठीक है, खींच लो, खींचो खींचो खींचो, ये पकड़ लो, लो खींचो, आ गए, लो खींचो, ये नीचे नीचे सट रही है, लो लो चोट तो नहीं लगी, चोट नहीं लगी, खाली जैसे बैलेंस बिगड़ा कूद पड़े। बादलों में आ चुके भाई, बादल ही बादल, मौसम बहुत ही खतरनाक हो चुका है, लगभग लैंड डाउन पहुंच चुके हम लोग, हो सकता है 2-4-5 किलोमीटर बाकी है, मगर बादल बहुत करीब आ चुके हैं। ओ भाई मैं दिखाता हूँ आगे लेके चलते, इस तरफ दिखा भाई, इस तरफ देखो वादियाँ भाई, गजब की वादियाँ हो गई है, मौसम बहुत ही सुहाना है, ऐसे में तो बस मन करता है कि बस हनीमून मना लो। तो भाई लैंड्स डाउन तो अभी नहीं पहुंचे हैं, पूरे गीले हो चुके हैं, रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, देखो ऐसी चिरचिराती सी जगह है, आ रही है साउंड, बहुत ही गजब का मौसम है, मज़ा आ रहा है, और ऐसी ऐसे बादल ना बहुत कम जगह पे मिलते हैं, और जहाँ मिल जाते हैं मेरा दिल खुश हो जाता है। और तो और ये भी तो ले लो, अच्छा आम, हाँ जगह जगह आम गिरे हुए मिल रहे हैं यार, तो ये और मज़ा आ रहा है खाना, अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो आपको ये आम जगह जगह मिल जाए, अगर नॉन वेज खाते हैं तो आपको जगह जगह कीड़े मकोड़े तो मिल ही जाएंगे, जगह जगह बिच्छू भी मिल रहे हैं देखने को, एक जगह बिच्छू मिला था, ये देख रहा नीचे है, कुछ है तो नहीं, दीपक तुम्हें कूदना है, कूद के उसको भी लगाना है, देखो 1 2 3 ओ ब्लॉग बनाएंगे तुम्हारा, पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, ये पन्नी उड़ के उड़ जाओ, ये गजब की जगह है भाई, अपनी ये दो बाइक जिससे हम आए थे, ये एक ने तो भी स्वाद ले लिया है, दूसरे को स्वाद पहले कुछ दिन पहले दिला चुके तगड़ा वाला, ये देखो वाह भाई ने हाथ दिला दिया, चलते जा रहे हैं, अभी 4 किलोमीटर रह गए हैं रूट हमारा, पेमेंट हो गई है, पेटीएम हो गई है, अब दिखाएंगे आपको व्यू, भैया सब होटल वोटल ले रहे हैं, सबकी सबकी फट के 4 हो गए पूरे रास्ते में, और बस दो चीज दिखी है, और हम दो लीजेंडरी को कुछ नहीं हुआ है, ये वेदर ऐसा ही रहेगा या सही होगा? बारिश तो देखिए कल भी काफी पूरा दिन पड़ती है, वैसे खुल भी गया था मौसम, कितने खुल जाता है ना, नहीं खुल जाता है, खुल जाता है, कल से हो रही है, मुझे लगा 10 दिन से ऐसे ही हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा है, 2-3 दिन से हो रहा है, तो वेदर खुल भी सकता है, मतलब यहाँ अगर आओ तो प्लान करके आओ, नहीं बिना प्लान के आओ। बहुत वीआईपी रूम लिया है, रूम में टेबल भी दिया है, और बालकनी व्यू भी यहाँ पे है, मैं भी दिखाता हूँ आपको, ये बालकनी व्यू हमारा है भाई। तो भाई ये है हमारा रूम जो हमने यहाँ लैंड्स डाउन में लिया है, और इस रूम में एक ये सोफ़ा कम बेड है, मतलब फैला लेंगे तो ये भी बेड है और ये भी बेड है, यानी 3-4 लोग आराम से सो जाओगे। हमने सारे कपड़े उपड़े अपने डाल दिए हैं, नहा धो के हम तैयार हैं, चल रहे हैं बाहर थोड़ा कुछ घूमने, देखते हैं नियर बाई कौन कौन सी जगहें हैं। वैसे ये छावनी है यानी कैंट एरिया है, यहाँ पे आर्मी है, तो बाहर ड्रोन वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं उड़ा सकते, जगह बहुत ही खूबसूरत है, अपनी आँखों से देखो मज़ा आएगा। बाकी ये जगह भी ऐसी है कि लोग हनीमून के लिए काफ़ी लोग आते होंगे, मुझे उम्मीद है पूरा, क्योंकि मस्त ठंडी जगह, और चंद सेकेंडों में यहाँ पे ऐसे मौसम चेंज होता है, बादल आ जाते हैं पूरे और बादल उड़ते हुए आपके सामने आएंगे, मतलब गजब लगता है, मज़ा आ जाता है। और ये है बाहर का नज़ारा, तो चलते हैं अभी बाहर कहीं खाते पीते हैं रेस्टोरेंट में, और फिर आपको घुमाते हैं लैंड्स डाउन में क्या कुछ है देखने को। तो ये होटल हमें पड़ा है सिर्फ 1500 रुपये में 4 लोगों के लिए, तो भाई यहाँ पे होटल वैसे काफ़ी महंगे हैं लग्जरी लोगे, तो ये बहुत बेसिक होटल था तो हमने ले लिया, भाई हमें तो ठहरना है, खाली घूमना है, आप लोगों को दिखाना है, बाकी आप आओ अपने बजट में चाहे जितना महंगा होटल ले लो, मिलता है यहाँ पर।
तो भाई ये है मेन लैंडसडाउन का चौराहा और यहाँ पे बीच में ऐसे ही बना हुआ एक जगह जिसमें फूल पौधे पत्तियाँ लगाई गई हैं। देखो रंग बिरंगे फूल देखने को मिल रहे हैं। ये है कोतवाली लैंडसडाउन जिला पौड़ी गढ़वाल, यानी भैया उत्तराखंड में ही पड़ता है, कन्फर्म हो गया। बाकी देखो गजब की जगह है ये ऊपर आपको होटल्स वगैरह मिल जाते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाते हैं और यहाँ पे रुकने की मतलब अच्छी व्यवस्था है देखने को मिले। बाकी लोकल मार्केट है, लोकल लोग यहाँ से शॉपिंग वगैरह करने आते हैं। ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, सोचो इस पूरे लैंडसडाउन वाली जगह पे सिर्फ एक मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान है, सबको पता है कि एक ही है, तो सोचो कितनी बड़ी जगह है। बहुत छोटी सी है, मतलब बड़ी जगह तो नहीं है। तो भाई अब चलते हैं यहाँ पे कहीं कुछ खाने पीने और बाकी आपको दिखाएंगे हम हमारी वो बाइक में क्या हो गया था, बुलेट जो पलट गई थी ना उसमें ब्रेक फेल हो गया था, तो अभी ब्रेक है ही नहीं है अभी भी, तो ब्रेक हम यहाँ डलवाने के लिए आ रहे थे मगर कहीं मिल नहीं रहा यार, एक ही दुकान थी वो भी बंद है। अब देखो जब वो खुलेगी तो डलवाएंगे, बाकी अगली ब्रेक से अभी तक काम चला रहे हैं हम। तो चलते हैं अभी कहीं घूमने के लिए। अरे अरे बाकी यहाँ पे कपल्स दिख रहे हैं भाई, हनीमून के जोड़े देख रहे हो अब भी। तो देख लो भाई ये यहाँ का मॉल रोड कह सकते हो और मस्त कोहरा ही कोहरा दिख रहा है चारों तरफ, देख रहे हो। तो यहाँ पे ऐसे बादल ही बादल पूरे मौसम में छाए रहते हैं, मतलब जब अच्छा मौसम होता है। गर्मियों में तो पता नहीं गर्मी होती भी होगी कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर बरसात में आओ भाई मस्त ठंडी लग रही थी, अंदर दो तीन पहन रखे मैंने। और ये रहा अपना जायका फूड प्लाजा, यहीं चल के खाते पीते हैं, लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब मिल जाता है। और लगभग यहाँ पे अंदाज़ा बता देता हूँ आपको, लगभग 200 रुपये में हमने दाल मंगाई है और 60 और 100 रुपये में हमने अंडा भुर्जी और अंडा करी मंगाया है। बाकी रोटियाँ मंगाई हैं, खाते पीते हैं, 9 रुपये 7 रुपये में रोटियाँ मिल जाती हैं। लो भाई खाने में दो तीन आइटम, ये सलाद आ गया और ये अंडा भुर्जी अभी और दाल, और पंडित जी ने शुरू कर दिया, भोग लगा दिया है। ठीक है खाना नंबर एक नंबर। चलो भाई जायके ने अपना जायके का तड़का डाल दिया है, तो खाते हैं और खा के फिर मिलता हूँ। वैसे अंडा करी आने वाली है, क्या ही देखोगे अंडा करी जैसे घर में बनती होगी वैसे ही बनेगी। तो भाई खाना वाना खा के बाहर आ चुके हैं और 400 रुपये में 4 लोगों ने खाया है, मतलब 100 रुपये पर पर्सन ने खाना खाया है। खाना एवरेज था, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, बहुत गंदा नहीं कहूँगा। तो ये मेन जो ये जगह थी अपनी लैंडसडाउन की मार्केट में आपको मिल जाती है ये जायका वाली खाने की दुकान, खा सकते हो। और मार्केट में ही हमारा वो होटल भी है जहाँ हम ठहरे हुए हैं। ऐसे ही मौसम है, काफ़ी अच्छा लगता है भाई, मस्त बादल ही बादल है भाई पूरे में। तो यहाँ थोड़ा बहुत सामान वगैरह हम लोग खरीद रहे हैं अभी। तो भाई अभी चल रहे हैं हम लोग, एक यहाँ पे ताल है और जिसे लेक कहते हैं यहाँ पे, लेक और लेक देखने चल रहे हैं। और चल के मैं आपको वहाँ पे नाम भी बताऊँगा, बाकी की और भी जगहें इसी रूट पे पड़ती हैं वो सारी जगहें देखेंगे। देखो यहाँ पे 24 घंटे लगभग जब से हम आए देख रहे हैं तो यहाँ पे बादल ही बादल देखने को मिलेगा फुल टाइम। मौसम बहुत ही सुहाना और ऐसा लग रहा है जैसे धुंध, सर्दियों की धुंध होती है ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो भाई भूत ताल क्या नाम है मुझे नहीं पता, हम ऐसे ढूंढते हुए निकले थे, ये लोग कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ पे वही भूत ताल ढूंढ रहे हैं। ताल का कोई बोर्ड है नहीं, कोई बोर्ड है नहीं, बस ऐसे ढूंढना पड़ रहा है। नहीं नहीं अंधेरी जगह है ना, थोड़ा सा रास्ता ऐसे ही है, चेहरा पूरी में आ गया भाई। हाँ सही में गजब लग रहे हैं ना। अरे नीचे चल रहे हैं क्या, भुल्ला लेक। अब तक हम पता नहीं क्या भूत ताल क्या क्या बोल रहे थे, ये भुल्ला लेक है और अभी चलते हैं भुल्ला लेक, इसके बाद चलते हैं दोस्त। अरे कहाँ डॉगी खिला रहे हो, बाकी डॉगी बहुत हैं यार यहाँ पे। चलो लो जी फाइनली भुल्ला ताल चले आए हैं हम लोग और यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी कर दी है। और इस तरफ देखोगे थोड़ी दूर पे वहाँ पे कार पार्किंग है, पैसा वैसा कुछ नहीं लगता, इंसान यहाँ पे दिख ही नहीं रहे। हाँ और ये सामने अपना भुल्ला ताल का मेन गेट है और देखते हैं ताल में कुछ पानी वानी है कि ऐसे ही ताल बना रखा है, बेवकूफ बनाओ ताल। थोड़ा सा मुझे वैसा लग रहा है जैसे अपना नैनीताल है, क्या पता वैसा कुछ हो, देखते हैं। बहुत ही सही जगहें बनाई हैं और ये जगह ऐसी है कि बहुत फेमस नहीं है, बहुत क्राउडेड नहीं है, नई नई जगह मुझे लग रही है। नहीं जगह तो पुरानी है क्योंकि 10 साल पहले की भी वीडियो शायद आपको देखने को मिल जाए इस जगह की, मगर यहाँ पे लोग बहुत नहीं आते क्योंकि रास्ता बहुत ही कन्वीनियंट नहीं है, सही रास्ता नहीं है। तो अगर आपको पहाड़ों पे ऐसे जिग जैग करते हुए डर लगता है तो भैया मत आना, बाकी ये जगह सुकून भरी है। हाँ गाड़ियाँ बुक करके आओ, ड्राइवर चलाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये देखो भुल्ला ताल, अच्छा सर्दियों में 9 से 5 बजे तक खुला रहता है। कितने रुपये की टिकट है भैया? 150 रुपये पर पर्सन। चलो वोटिंग भी है उसी में ही है, वोटिंग उन्हीं पैसों में। अरे बढ़िया, तो वोटिंग करेंगे फिर। अब 150 रुपये लग रहे हैं तो वोटिंग क्यों नहीं, 50 भी लग रहे हैं ना वो रहा। नहीं 50 वाला नहीं लेंगे, वोटिंग करेंगे। 50 का क्या सीन है, 50 को 50 आप लोग लेंगे। हमारे नाव चलाएंगे नाव। कितने रुपए की टिकट मिली?
600 रुपए की टिकट है 4 जन की, 150 रुपए पर पर्सन कुछ टिकट कुछ ऐसे लोगों को बताता कैसे 600 रुपए की टिकट है फिर बोल रहा 4 पर्सन। हाँ ठीक है, तो भाई ये जगह है आर्मी कैंट वाला एरिया है पूरा पूरा, तो आर्मी वाले बहुत स्ट्रिक्ट और एकदम नियम के पक्के होते हैं, तो हर चीज देखो एकदम हिसाब से लगी हुई है, कुछ भी इधर उधर नहीं है। हरियाणा वालों यहाँ आना, थूकना हगना मत। हरियाणा वालों से तुमको क्या दिक्कत है भाई? नहीं मतलब गंदगी ज्यादा करते हैं। अरे नहीं यार, हरियाणा तो कोई कहता है यूपी बिहार वाले दिक्कत करते हैं, थूकते जाते हैं वो। भाई बड़ी सुंदर सुंदर जगह यार, बहुत सुंदर जगह लग रही है मेरे को वो देख। हाँ पुल पे मजा रहा हूँ। हाँ काफी सही है, बस दिखाई कुछ नहीं दे रहा। अरे देखो बहुत सही सही बनाया गया है, देखो यहाँ पे पेड़ों पे ये काइयाँ जो जमी हुई है ना काई, ये भी है बड़ी अच्छी लग रही है यार। देखो ऐसे ऐसे डेकोरेशन कर रखा है जगह जगह पे, तो काफ़ी अच्छी जगह है ये जगह। ओवरऑल मैं कहूँगा कपल्स के लिए है, क्योंकि एडवेंचर वगैरह हमको कुछ दिख नहीं रहा, कुछ आना वाना, तो सब कुछ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा है। कपल्स आएंगे सुकून से घूमेंगे और यहाँ पे अपना हनीमून मनाएंगे, एंजॉय करेंगे और वापस घर जाएंगे, घर चले जाएंगे। तो ऐसा ये बहुत स्ट्रेट स्ट्रेट सा यहाँ पे बोटिंग करने वाले हैं, और जो जिस लेक में बोटिंग करने वाले हैं वो लगभग 35 फीट तक गहरी है। ये देखो भाई ये है ब्रिज जो काफ़ी खूबसूरत सा है, और यहाँ पे नीचे देख रहे हो लोग बोटिंग कर रहे हैं। पूरा बादलों में हम हैं, कुछ खासा दिखाई दे नहीं रहा। चलते हैं अब अपना भी नंबर लगाते हैं बोटिंग का, उधर देखो वहाँ से बोट स्टार्ट होती है और ये काफ़ी दूर तक जाते हैं। हम पूरा कवर करेंगे जितना हो सक रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी इसके बाद हमें एक और जगह टिप टॉप जगह है, टिप एंड टॉप करके, वहाँ चलने वाले हैं। अबे हुंडी कहाँ डालोगे? अरे इसमें नहीं डालना, ये पीछे जाएगी। कोट के तरह है। अच्छा बस ऐसे पहन लो, लाइफ जैकेट पहन लिया है, अब करेंगे स्विमिंग। स्विमिंग नहीं, बोटिंग। और हमारी टीम देखो कैसे रिएक्ट कर रही है, ये है हमारी टीम। हेलो ब्रो अतुल। भाई क्या कहूँ, ये जादू बनना पड़ गया मुझे, लगातार बारिश हो रही है और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। अभी चल रहे हैं यहाँ पे लोकल, ऐसे एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि बारिश के टाइम पे बोटिंग बंद हो गई है हमारे लिए। मतलब किस्मत ख़राब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो अगर आप भी आ रहे हैं तो थोड़ा सा मौसम एक बार अनुमान देख लेना, ज़्यादा बारिश हो रही है तो एक्टिविटीज़ तो नहीं कर पाओगे, बेसिक हनीमून बना लो आप। और बाकी ठीक है, जगह सुंदर है, ऐसी पन्नी पहन के घूमते रहो, क्योंकि इस मौसम में आ रहे हो तो कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी, जैसे मानसून अच्छा मिलेगा और मौसम अच्छा मिलेगा, मतलब जो अलग बादल वाले मौसम मिलते हैं वो चीज़ तो अच्छी लगेगी। मगर आप जगह जगह एक्टिविटीज़ नहीं कर पाओगे और बारिश के कारण आपको आने जाने में भी थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, जैसे हमें हो रही है। तो ये बोटिंग वाला एरिया आप देखो बादल छट चुके हैं, अब ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा। करीब 2 घंटे तक हमने यहाँ पर वेट किया कि शायद बारिश हटे तो फिर हम कुछ करें। बारिश हटी तो हटी, कहाँ थोड़ी सी कम हुई है, मगर कोई काम बना नहीं है, क्योंकि अब वो मना कर रहे हैं कि अब बोटिंग नहीं कर सकते आप। अब पानी का फ्लो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, और साथ ही जो बोट थी उन बोट्स में पानी भर गया है। तो अभी भाई हम ये नहीं कर रहे, अभी यहाँ लोकल घुमा रहे हैं, देखते हैं इस पार्क में क्या है, और इसके बाद ले चलेंगे वही टिप टॉप वाले पार्क में। सुन लो बादल गरज रहे हैं भयंकर, बारिश होने वाली और ज़ोरदार, और यहाँ पे पीछे मेरे बतख हैं कुछ। देखो उस तरफ बोटिंग होती है, उस तरफ से मैं अपोजिट साइड आ चुका हूँ, और वैसे यहाँ कुछ है नहीं, बतख दिखाने लाया था आपको, और बतख भी हमें देख के काफ़ी तेज़ी से भाग रही है। वो मेरे प्यारे बतख भागो नहीं, मेरे प्यारे बतख, बतख नहीं भागो भाई। ये तुमने पहना क्या है ये तो बताओ भाई। ये हमने मैक्सी पहनी है भाई। मैक्सी? फिर तुम्हारे पति देव आके कुछ बोलेंगे नहीं तुमको? ये लड़कों की मैक्सी है। अच्छा तो भाई ऐसा कुछ रास्ता बना हुआ है, पूरे पार्क में से गोल गोल चक्कर लगाएंगे, और वैसे हर टाइम तो नहीं कहूँगा, मगर बरसात के टाइम पे देखो यहाँ पे पहाड़ों से जो पानी गिरता है वो बिल्कुल झरने जैसा है, मगर बरसात का पानी अपने साथ में बहुत सारे कचरा भी लेके आता है, और वो कचरा यहाँ पे देखो गंदे पानी के जैसे यहाँ पे गिर रहा है। तो भाई ये जो लेक थी जिसे अभी अब तक हम देख रहे थे, उसका किनारा ये देखो छोर कितनी भयंकर तरीके से नीचे पानी गिर रहा, पूरा भयंकर झरना बन गया। ये चीज़ आपको बारिश में ही देखने को मिलेगी, नॉर्मल टाइम में तो लेक लेक ही रहेगी, बाकी का एरिया ये वाला बंद रहता है। देखो भाई 100 मीटर इस तरफ हमारा भोला ताल था और दूसरी तरफ टिपिन टॉप है, तो टिपिन टॉप चल रहे हैं, 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, चलते हैं देखते हैं क्या है टिपिन टॉप में। तो भाई अभी टिपिन टॉप नहीं पहुँचे हैं, यहाँ पे एक चर्च मिल गया हमें, मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल अंग्रेजों के जमाने का, संतोषी माता मंदिर, और टिपिन टॉप ऊपर की तरफ मिलेगा अभी, तो वहाँ जाएंगे। उससे पहले देख लेते हैं इधर और क्या कुछ है, कैसी सुंदर सी जगह है। ओ गजब, ये सही जगह है, जोरदार। आज मैं ठीक पर
तो भाई टिप इन टॉप में हमने एंट्री कर लिया है। यहाँ पर 20 रुपये प्रति व्यक्ति एंट्री फीस लगती है और साथ ही बाइक चार्ज 20 रुपये। हमारी चार पहिया का 20 रुपये लगा है पार्किंग, दो पहिया हमारी है, दो पहिया अतुल भाई की है। एक छोटा सा कैफे या रेस्टोरेंट कह लो ये मिल गया यहाँ पे। आगे देखते हैं और क्या है भाई। अरे जगह जगह पे हट्स बना रखे हैं भाई यहाँ बैठने के लिए, और कपल्स आते हैं ना तो उनके लिए हट बने हुए हैं। एक एक हट पे एक एक कपल बैठो, आराम से करते रहो। और ये है नज़ारे 20 रुपए वाले, गजब के है ना, पैसा वसूल है भाई, बहुत सस्ते में बहुत अच्छा नज़ारा मिल गया है कसम से। बादल भी हैं, घाटियाँ भी हैं, और ये जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं। शायद आपको उतना अच्छा ना दिख रहा हो, फिर भी कोशिश करिए, मैंने कुछ अलग शॉट लिए हैं वो भी देख लेना आप, बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों फाइनली 2 दिन बिताने के बाद यहाँ पे लैंसडाउन में हमने सोचा कि अब घर वापसी चलते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना। अभी सो के जस्ट उठाऊँ और बाकी ये देखो एक लोग अभी सो रहे हैं, बाकी पंडित जी मैदान गए हुए हैं तो ऐसा ही है। और ये जगह फाइनली फिर से बता देता हूँ कपल्स के लिए, ये लौंडे आते हैं उनको मज़ा तो आएगा बरसात में, तो बरसात का मज़ा ले सकते हैं। वादियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं, साफ मौसम में आएंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। बाकी और आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है कुछ। यहाँ आने के बाद आप ये मत सोचना कि कोई अच्छी जगह जाओ देखने के लिए, ये जगह ओवरऑल खूबसूरत है तो पूरी जगह ही आपको अच्छी लगने वाली है। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रहा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो और देखते रहो ऐसे दिल्ली ब्लॉग। फिर मिलते हैं ऐसे मज़ेदार नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।